हेलो गाइस, मैं जतिन स्काईकट टेक्निकल सपोर्ट से आज आपको बताएंगे स्काईकट कटिंग प्लॉटर की इंस्टॉलेशन के बारे में। इसको स्टार्ट करते हैं। इसकी पावर केबल है, ये अडैप्टर है। पहले पावर केबल को हम इसमें अटैच करेंगे। ये पावर केबल हमारी इधर आ जाती है इस पॉइंट पे। दूसरी मेन पावर पॉइंट में चली जाती है। इस बटन से ऑन होगी हमारी। चलो गाइस, आपको मैं बता दूंगा इसके फीचर के बारे में। इसमें टोटल 6 फीचर्स हैं। पहला फीचर आता है हमारे पूरे टच स्क्रीन है, जैसे कि देख सकते हैं। अभी हम सेकंड फीचर्स पे जाते हैं। सेकंड फीचर है हमारा कैमरा, जो आप प्रिंट करके कट करना चाहते हो उसमें हेल्प होती है। ये देखिए सर, ये आपके डिस्प्ले दिखा रहा है। ये इसने इसका मैट दिखा दिया नीचे का, ये कैमरा शो हो गया। अब इसका आता है सेकंड, थर्ड ऑप्शन है सर इसका, वाईफाई। वाईफाई वो ऑप्शन है जो आप प्रिंटर से अपने कंप्यूटर से करते हो कनेक्ट केबल, यूएसबी केबल, ये वाली। ये केबल हट जाती है आपकी, डायरेक्टली आप कमांड दे सकते हैं। आपका फोर्थ आता है रीकट का ऑप्शन। रीकट का ऑप्शन तब यूज़ करते हैं हम, आपने कोई फाइल काटी है उसी को आपको 10 बार रीकट करना है, तो उस पर क्लिक करना है बिना कंप्यूटर के। तो इसी पर क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिकली सेम फाइल आपकी कट कर देगा। अगला फीचर आता है हमारा यूएसबी। यूएसबी का तब यूज़ होता है जब हम पेन ड्राइव पर अपनी कनेक्ट कॉपी कर लेंगे अपनी फाइल को PLD फॉर्मेट में, तो यहाँ से हम ऑपरेट कर सकते हैं बिना कंप्यूटर के। उसमें लास्ट है सर ये स्पीड एंड फोर्स का। ये हमारी स्पीड आती है जो मूवमेंट करता है कितनी में कटिंग करनी है, और ये प्रेशर कितने डेप पे आपकी कटिंग होगी। आज आपको मैं मशीन को कैलिब्रेट करना सिखाऊंगा। इसके लिए हमें एक पेपर चाहिए और एक पेंडुलम चाहिए, इसके साथ आता है। इस क्लिप को हम नीचे करेंगे। ये क्लिप हमारे नीचे है, इसका मतलब रोलर उठ गए हमारे। असेंबली होती है, फ्री हो चुकी है अभी। इस लाइन के अकॉर्डिंग हम सीधी करेंगे इसको। आप क्लिप को ऊपर उठा देंगे तो टाइट हो जाएंगे ये। बारी आती है सेकंड ऑप्शन के, ये पेन टूल की। पेंटुल के आगे कैप होती है, निकालनी पड़ती है हमें। इसको लगाने के लिए हमें पहले ये लूज करना है। अब पेन से लगा देंगे। आपको याद रखना है पेपर से टच नहीं होना चाहिए पेन आपका। अभी हम चेक करेंगे पहले इसके चल रहा है कि नहीं पेन। इसके लिए हम स्पीड फोर्स में जाएंगे। स्पीड फोर्स में आके ही हमारी फोर्स होती है, स्पीड होती है। यहाँ पर हम करेंगे टेस्ट। टेस्ट करने से एक स्क्वायर बना था छोटा सा, पेन चला कि नहीं, हमारी फोर्स अभी और बढ़ेगी। अभी हमारा परफेक्टली चल चुका है। अब डायरेक्टली हम यहाँ से होम पर आ जाएंगे। अब कैलिब्रेट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा सेट में, कैमरा, एडजस्ट एंड स्टार्ट। आप डिस्प्ले में देख सकते हैं क्या आ रहा है, जिसने बॉक्स बनाया है ये रेड प्लस। आपको इसके सेंटर में करना है। अगर आपका इधर होता है तो इसको इधर ही करके यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है।
इसके सेंटर में लाना होता है हमें, फिर ओके। हाँ अब हम जूम करके चेक करेंगे, तो उसके लिए हमें एक्सरे पे क्लिक करना है। ये जूम हो गया, फिर से ओके। हाँ अभी हम एक्सरे से दोबारा क्लिक करेंगे। अब ओके को हम लॉन्ग प्रेस कर देंगे सेव करने के लिए। अभी सेव हो रही है, ये आपकी सेव हो चुकी है। पहले आपको मैं बताऊंगा इसमें ब्लेड एंड मीडिया कैसे फिट करते हैं इसमें। ये हमारा मीडिया है और ये कटिंग होल्डर, ये ब्लेड। इसके लिए हम रेड वाला ब्लेड ले रहे हैं और इससे आपको डालना है। ये शार्पनेस वाला आगे रहेगा, बैक साइड में ये मोटा वाला, ये पीछे आएगा। इससे चला गया, इसे कम करने के लिए ब्लेड को और ये सुल वाले को लूज़ करना है। इसके बाद आपको गोल्डन रिंग को टाइट करना है। आपका ब्लेड को इतना रखना है, कम से 1 mm बाहर आना चाहिए सर आपका इसके लेबल से। इसको लगाने के लिए फिर आपको ये लूज करना है। ये रिंग देख रहे हैं ना, रिंग रिंग ब्लैक के ऊपर होनी चाहिए, ब्लैक के नीचे से। इसको टाइट कर देंगे हम। ये देखिए रिंग हमारी ब्लैक के नीचे चली गई है, इससे आपका ब्लेड ही फिट हो जाता है। अब आता है सेकंड मीडिया। मीडिया फिट करने से पहले आपको ये चेक करने हैं इसके रोलर असेंबली। ये ब्लैक वाले रोलर होते हैं, नीचे देख रहे ना रॉड में ब्लैक कलर के, ये इन्हीं के ऊपर होने चाहिए। ये सारे इन्हीं के ऊपर होने चाहिए। अगर आप यहाँ रखते हो तो आपको मीडिया स्लिप होगा। इसको लीवर हुई क्लिप, इसको अप कर देंगे। मिडी लग चुका है, अब इसमें टेस्टिंग करनी, इसमें हमें टेस्ट करने पड़ता है पहले कितनी बार हमारा कट रहा है कि नहीं मीडिया। इसके लिए हम जाएंगे स्पीड फोर्स में। ये हमारी अभी 20 है फोर्स, इसको हम करेंगे सिर्फ 2 पर। 2 पर क्लिक करना है यहाँ पे टेस्ट। ये देखिए हमारा परफेक्टली कट चुका है, इतना स्क्वायर काटता है।